हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हमारी वीडियो होने वाली है लिपस्टिक के ऊपर तो ये हमारी बिगनर्स मेकअप सीरीज का पार्ट फाइव होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिपस्टिक को किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए एक परफेक्ट लिपस्टिक लगाने का क्या सही तरीका होता है क्या गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं और क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी लिपस्टिक एकदम स्मूद लगे बिल्कुल परफेक्ट लगे और हमारे एकदम पाउटी लिप्स रेडी हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड अरे ये क्या आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो हमें लिपस्टिक लगाने सिखाने वाली थी लेकिन अब यहाँ पर ये खुद ब्रश करने बैठ गई है बिकॉज वाइट डार्जिलिंग स्माइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ लिपस्टिक परफेक्ट लिपस्टिक के लिए बहुत ज़रूरी है तो मैंने अपने पहले uh, ब्रश किया है टीथ्स को उसके बाद मैंने उसी ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स को भी स्क्रब कर दिया है आप चाहें तो कोई भी लिप स्क्रब लेकर भी उससे स्क्रब कर सकते हैं बट ब्रश से भी ईजिली हो जाता है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी देन मैंने वेटन वाइल्ड की लिप बाम यूज़ की जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है हाइड्रेटिंग होती है लिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लिपस्टिक के लिए प्राइमर लगाया है क्योंकि फ़ेस को भी कहीं ना कहीं बेस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेयर फेस पर अच्छा नहीं लगता है प्राइमर यूज़ किया था मैंने यहाँ पर वेट एन वर्ल्ड का फोटो फोकस प्राइमर डु फिनिश वाला एंड देन उसके ऊपर से टॉपअप किया है विद बीबी क्रीम्स पावे की बहुत अच्छी है काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते है। मैंने हैं मैंने हैंड के थ्रू ही कर लिया है मुझे इजी लगता है ब्लेंड करना तो हल्का फुल्का सा बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफेक्ट लिपस्टिक ताकि लिपस्टिक हमारी अच्छी दिखे देन उसके बाद मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ मे के फ़िट मी कॉम्पैक्ट के साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हल्का हल्का सा पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं लेकिन अगर आपकी ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ अपने क्रीजिज़ एरियाज़ पर Uh, आप कॉम्पैक्ट को लगाइए ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए तो इस तरीके से बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है अराउंड योर लिप्स अच्छे से करिए ताकि आपके लिप्स जो है वो पिगमेंटेड ना दिखें अगर आपके ज़्यादा पिगमेंटेड लिप्स हैं तो आप कलर करेक्टिंग भी कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में शो uh, नहीं किया है देन मैंने यहाँ पर कलर एसेंस का लिप लाइनर यूज़ किया है तो आप चाहें तो कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं अपनी लिपस्टिक के शेड का लेकिन अगर आपके पास अपनी लिपस्टिक के शेड के लिए लिपलाइनर्स नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि कोई भी न्यूट्रल शेड जो है वो चल जाएगा आपकी लिपस्टिक के नीचे क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन करनी है और उसके बाद हमें एक लिपस्टिक अप्लाई करनी है ताकि वो एक परफेक्ट लुक दे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट किया है लिप लाइनर लगाना अपने क्यूपिड्स बो से तो क्यूपिड्स बो को पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ धीरे धीरे से एक्स बनाना है हमें इस तरीके से ताकि Uh, अच्छे से आउटलाइन हो जाए पहले अपर लिप्स को आउटलाइन करना है फिर लोअर लिप्स को आउटलाइन करना है एंड उसके बाद जो है हमें अच्छे से मतलब कलरिंग कर लेनी है इसके अंदर तो इसे करने में काफ़ी मज़ा आता है ऐसे कलरिंग करते जाओ करते जाओ लाइक अ पेंटिंग तो ये काफ़ी अच्छा लगता है बट इसको आप जितने जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही अच्छा जब आप लिपस्टिक टॉप करेंगे इसके ऊपर तो अच्छा लगेगा वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो ये सीरीज़ है बिगनर्स मेकअप सीरीज़ जिसका लास्ट वीडियो है ये और आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से तो मैंने एक और वीडियो भी बना रख बनाया था जिससे मैंने मेकअप किट अंडर टू हंड्रेड शेयर किया था तो वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो डेफिनेटली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा तो मेरी जो ये प्ले है उसके अंदर भी मैं आ, इस वीडियो को डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए इस वीडियो को देखने के लिए तो आप मेरी पूरी प्ले ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो देन मैंने उसके ऊपर से लिपस्टिक को अप्लाई किया है जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैक की लिपस्टिक है इसका शेड मुझे याद नहीं है Uh, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी अच्छे से आउट uh, कोट uh, करने के बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं यहाँ पे जो एक्सेस है उसे uh, साफ़ कर ले रही हूँ अपने लिप्स के बीच में अकेर में रख कर और टिश्यू पेपर को अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा है वो हमारे दांतों वग़ैरह में ना लगे और जो हमारे लिप्स के अराउंड थोड़ा सा uh, डिस्कलरेशन सा दिख रहा था तो कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको मैंने फ़िक्स uh, कर दिया है एंड देन आप देख सकते हैं मेरी फाइनल सो दैट्स इट फॉर टुडे तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक अप्लाई करने में मुझे भी सीखने में काफ़ी टाइम लगा बट धीरे धीरे मैं सीख ही गई तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे तो बस यही था मेरा आज का वीडियो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस दिन बाय